हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा योद्धा प्रदीप साहू। और आज मैं आपको बताने वाला हूं टू प्रूव फ्रॉम गॉस लॉ टू कूलॉम्स लॉ। और इस लॉ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस के नियम के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फ्लक्स डेवलप होता है और उस फ्लक्स की वैल्यू टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की डिवाइडेंस के इक्वल होती है। ये हमारा गॉस लॉ कहता है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कूलॉम लॉ क्या होता है। कूलॉम के नियम के अनुसार अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं जिनके बीच डिस्टेंस आर है, अगर वो दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो उन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल 1/4 epsilon naught Q1 Q2 r2। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए फुल सरफेस डी फाई। यहाँ पे डी फाई लिख लीजिए स्मॉल सरफेस के लिए। तो फाई टोटल चार्ज इसके पास कितना है, क्यू, ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल ई फुल सरफेस ऑफ डी ए। अब जो डी ए दिया है डी डॉट, इसको हो जाएगा होल सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इज इक्वल 0 degree हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब पूरे सरफेस के डी ए मिला देंगे तो हो जाएगा ये ई डी ए मीन्स ए, और इसका एरिया जो हमने माना है ये छोटा सा दिया हुआ है, इसकी रेडियस है आर। तो इस आर के लिए जो इसका हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आ जाएगी ई इज इक्वल 1/4 pi r2। तो ये 4 pi r2 यहाँ पर आ जाएगा 4 pi r2 एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे तो हो जाएगा ई इज इक्वल 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, पर यूनिट चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स अप्लाई होता है, टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इज इक्वल एफ। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये टेस्ट चार्ज था, तो फोर्स कूलॉम का फोर्स कितना है, F is equal E 1/4 pi epsilon naught Q/r2 multiplied Q, Q naught या Q, ये जो टेस्ट चार्ज होता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए ये रूल जो है F proportional to Q1, Q2, F proportional 1/r2। ये तो बहुत ही सिंपल रूल था, बट कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, जब आप इसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं तो इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर से जो फ्लक्स निकालते हैं वो फ्लक्स कितना है, हमने छोटा सा फ्लक्स लिया था, इस फ्लक्स की वजह यहाँ पर सिग्मा रखा था, सिग्मा टोटल चार्ज होता है, हमने टोटल चार्ज को क्यू मान लिया है, इसके बराबर आप सीधे रख देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये हमारा हो गया गॉस लॉ से कूलॉम्स का लॉ प्रूफ करना, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, इसमें एक चीज़ छूटी हुई है, वो छूटी हुई ये है क्योंकि हमने यहाँ पर एयर लिया है, यहाँ पर एयर है, इसके बीच में जो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह पर कोई मीडियम फिक्स कर सकते हैं, तो मीडियम के लिए एफ प्रोपोर्शनल टू 1/k हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।